अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, राजा सिंह को भगाना है, राजा सिंह को भगाना है। आप देख रहे हैं यूटीवी न्यूज, मैं आपके साथ महबूब शेख। विवादित एमएलए राजा सिंह को रोकने के लिए एसडीपीआई का आग्रह। अपने विवादित बयान से मशहूर विवादित एमएलए 4 मार्च 2024 को बीजापुर आ रहे हैं। इनको बीजापुर आने से रोकने के लिए बीजापुर एसडीपीआई की ओर से आज जिला अधिकारी को मनवी पत्र देकर राजा सिंह को बीजापुर आने से रोकने का आग्रह किया गया। माननीय जिलाधिकारी साहेबर विजयपुर विषय प्रचोदनकारी भाषण मादे नियंत्रण मालू जिले कानून सुव्यवस्थे कापड़ू माननीय मीनका विषय के संबंध नम जिले विजापुर सुशी संत शरण जिले आगे इले जन शांति नेमदी बयसूर जिले प्रतियो समुदाय जन बेरे बेरे धर्म बैठे अपार गौरव निष्ठे नमिके इले जन ये तरह भेदभाव नगर हितदृष्टिया शांति देश केवश कल प्रचोदनकारी भाषण मादे नियंत्रण मालू सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ् इंडिया विजयपुर नगर समिति वत आग्रह धन्यवाद तम विश्वास उमर खा पठान एस टी प्याज आज यहाँ पर जमा होने का मकसद जो है डीसी साहब का एक मनविदनक था, जिसका खास वजह जो है राजा सिंह नामी एक एमएलए जो बीजापुर शहर की शांति को भंग करने के लिए मकसद से बीजापुर शहर में 4 तारीख को आ रहा है, तो इसकी एक बहुत बड़ी रैली है। रैली से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और रही बात छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन की, ये बहुत एक खुशी की बात है कि इस मौके पर एक इतनी बड़ी रैली मनाई जा रही है। यह सभी कम्युनिटी के लिए एक खुशी की बात है। लेकिन अफसोस तो यह है कि इस अच्छे अवसर पर आप एक जनता सेवा ग्रुप नामी एक जो ग्रुप है वो एक अच्छा नाम रखा हुआ है जनता सेवा, बोले तो ये सभी किसी कास्ट की सेवा नहीं होती बल्कि पूरी जनता की सेवा होती है। लेकिन ऐसे मौके पर आप लोग जो है एक जातिवाद भाषण देने वाले या फिर कौम गलबे को बढ़ावा देने वाले या फिर मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर जो है स्पीच अपने करने वाले एक राजा सिंह को बुला रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा अफसोस है। इसमें मैं आपको खास तौर से बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी साम्राज्य में कभी किसी कास्ट को उतार चढ़ाव करने का इन पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी किसी भेदभाव का कभी इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा, और वो दीगर मजाहिब की बहुत ही इज्जत करते थे। ये एक ऐसी शख्सियत हैं। और ख़ास तौर से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक से छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में जो है 700 सैनिक मुस्लिम थे, जिसमें जो है उनका अंगरक्षक भी मुसलमान था, और उसमें जो है उनका लॉ वकील जो कि एक लॉ मिनिस्टर कहलाता है उनका, वो भी जो है एक मुसलमान था।
बहुत से पद जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में मुसलमानों को दिए हुए थे, वहाँ पर कहीं भी किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। यहाँ तक कि अफजल खान से जब मुलाकात के लिए जा रहे थे उस वक्त भी उनके साथ अगर कोई था तो एक मुसलमान था, और जो लोहे का पंजा रखने की जो सलाह दी थी उस वक्त भी जो है वो मुसलमान ने दी थी। ये चीज़ से साबित होता है ये बात को कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे। एक ऐसी अजीम शख्सियत के जन्मदिन के मौके पर, एक ऐसी अजीम शख्सियत के जन्मदिन के अवसर पर आप एक घटिया किस्म की सोच रखने वाली शख्सियत को जब बुला रहे हैं तो आपकी विचारधारा का यहाँ पर पता चलता है। क्योंकि बीजापुर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम वक्कड़ जो है इस कदर जोरों पर है या फिर सबूत के तौर पर है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। ऐसे माहौल के अंदर आप इस माहौल ख़राब करने वाले एक MLA राजा सिंह को आप बुला रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और साथ ही साथ मैं राजा सिंह के तालुक से आपको एक बताना चाहता हूँ कि इस शुभ अवसर के दरमियान आप एक बड़ी किसी अजीम हस्ती को बुलाते तो हमें खुशी होती, शायद हम भी उसमें आते, आपके साथ मिलते और ये अवसर मनाते। लेकिन आप किसे बुला रहे हैं? एक रवड़ी शीटर को बुला रहे हैं आप, जिस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं बुला रहे हैं, जो कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ाता है उसे बुला रहे हैं, जो कानून के खिलाफ बात करता है उसे बुला रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ बात करता है उसे बुला रहे हैं। अगर आप अजीम हस्तियों में से किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप फॉलोअर हैं किसके? शिवाजी महाराज के। आप फॉलोअर बने, आप रोल मॉडल हैं शिवाजी महाराज आपके लिए, तो बिल्कुल उनकी विचारधारा के तहत आने वाले लोगों को आप बुलाइए। आप गांधी की विचारधारा रखने वाले लोगों को आप बुलाइए, आप बसवण्णा की विचारधारा रखने वाले लोगों को बुलाइए, आप बाबा साहब अंबेडकर साहब की विचारधारा रखने वाले लोगों को आप बुलाइए। आप बुला रहे हैं एक घोड़सेवादी को, आप बुला रहे हैं एक सावरकरवादी को, आप बुला रहे हैं एक सावरकर सर के बुजदिल लोगों को, तो आपको ये बात समझना होगा कि आपका ग्रुप का नाम है एक जनता सेवा ग्रुप। बोले तो आप पूरी जनता की सेवा में आपको खड़ा होना है, ये आपकी जिम्मेदारी है जिस तरह की से आपने नाम दिया है, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी के तहत आप सेवा की नाम इस आपके अपने ग्रुप को नहीं दिए हुए हैं, आप अपने ग्रुप को जनता सेवा नाम दिए हैं। तो जनता की सेवा के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ के माहौल को पहले खुशहाल रखना, बहाल रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं पहले तो DC साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मनवी को जो स्वीकार कर चुके हैं, जो हम मनवी दिए हैं, इस पर बाकायदा एक कड़ी से कड़ी एक्शन हो, और ये परमिशन के तहत आ रहे हैं या विदाउट परमिशन से आ रहे हैं इस पर एक चर्चा हो, और अगर ये विदाउट परमिशन पर आ रहे हैं तो इन पर एक कानूनी कार्रवाई हो, और अगर ये परमिशन पर आ रहे हैं तो इनकी परमिशन को कैंसिल किया जाए, और ऐसे ज़हनियत लोगों को उनके शहर के अलावा कहीं भी इनको परमिशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये अगर जब चुन कर आए हैं तो ये किसी मौके का फ़ायदा उठाकर चुन के आए, या फिर डिवाइड एंड रूल जैसे किस्म के जो है अदाकारियों को ये अदा कर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चुन कर आए हुए रहते हैं। तो इस जो है घटिया किस्म की मानसिकता वाले लोगों को ये एक देश के लिए यहाँ पर बुलाना एक शहर के लिए ख़तरा है और एक देश के लिए ख़तरा है। क्योंकि एक इस देश को अगर बरकरार रखना है तो यहाँ पर हर मजहब जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना बहुत ज़रूरी है। बीजापुर में और भी तंजीमें सिर्फ SDPI क्यों विरोध कर रही है? नहीं, यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि SDPI भी है, MIM वाले भी हैं, और दीगर तंजीम के जिम्मेदारान भी हैं, कई कांग्रेस के लोग भी हैं, और हम लोगों ने बहुत से लोगों से इस बात की चर्चा की, तो कहीं कांग्रेस के जिम्मेदार आउट ऑफ स्टेशन है जो आ नहीं सके, जो खुलकर हमारे साथ आए हैं वो आपके सामने हैं, जो नहीं आ सके उनके अपने कुछ तकाजे हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो खौफ की वजह से आना नहीं चाहते। क्योंकि मैं लास्ट मेरी स्पीच में भी आपको बताया था कि इन लोगों का जो है खुदा से ज़्यादा खौफ अगर लोगों को लिए इनके दिलों में है तो फिर वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यहाँ पर SDPI है, बल्कि नहीं, यहाँ पर बीजापुर की मुस्लिम वक्कट जनता मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आई है, और हम लोगों ने इसके ताल्लुक से सभी धर्मों के लोगों का जो है एक बात बताई थी, और सभी धर्म के लोग इस राजा सिंह के खिलाफ हैं, कोई भी धर्म का इंसान इसे पसंद नहीं करता। अगर वो फिर भी आते हैं तो क्या आपका क्या? देखिए, हमारा काम है कानूनी दायरे में रहकर एहतजाज करना, उस पर ये प्रेशर करना है कि ये ना आए। अगर उसके बावजूद भी आते हैं तो ये सरकार का जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार अगर चाहती है कि एक अमन परस शहर के अंदर आप एक कौमवादी गलबे चलाना चाहते हैं या फिर आप एक डिस्टर्ब करना चाहते हैं पुरसकून रहने वाली आवाम को, तो आप ऐसे लोगों को इजाज़त दीजिए। उसके बावजूद भी हम ज़मीनी सतह पर भी इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से कि हुकूमत आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आप उस लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब बीजापुर के अंदर डिस्टर्ब ना कीजिए, आप उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए DC साहब के जरिए, SP साहब के जरिए, या दीगर जो भी जिम्मेदार हैं उनके जरिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए और इस शख्स को रोकिए। हमारा यही आग्रह है आपसे। आपका नाम? मेरा नाम अताउल्ला दराकी, SDPI जिला सदर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम यहाँ पर SDPI की जानिब से एक DC ऑफिस में जमा होने का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला एक गोशा महल का MLA राजा सिंह बीजापुर आ रहा है, तो हमने ये फैसला किया कि राजा सिंह को किसी भी तरह से उस मालून को
उस गुस्ताखे रसूल को यहाँ आने से रोका जाए, क्योंकि वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ की अमन और शांति को ख़राब करने का चांस है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजा सिंह जो MLA है यहाँ पर ना आए, क्योंकि वो बहुत सारे नफरत अंगेज़ स्पीचेस देते हैं और पर्टिकुलर सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके उनके खिलाफ कहीं भड़काऊ भाषण देते आते आ रहे हैं। कहीं 8 सालों से, जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, 8 सालों से हम देख रहे हैं कि राजा सिंह सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके लगातार उनके खिलाफ भाषण देते आ रहे हैं, अपनी गंदी ज़ुबान से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और एक चीज़, राजा सिंह MLA के खिलाफ 100 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आज राजा सिंह को 4 तारीख को बीजापुर आने दिया जा रहा है, इस बात से हमें बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि इतने बड़े केसेस होने के बावजूद भी एक कम्युनल MLA यहाँ पर बीजापुर आ रहा है और बीजापुर की शांति को ख़राब करने के लिए आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर ना आए। हमारी ये डिमांड है कि DC ऑफिस से, हम DC सर से डिमांड कर रहे हैं और हम SP सर से भी, हम वहाँ पर भी जाकर एक मनवी देने वाले हैं और हम तहसीलदार सर से भी मनवी देने वाले हैं और IGP सर को ईमेल करने वाले हैं, ADGP सर को भी हम ईमेल के ज़रिए इस बात की इतला देने वाले हैं। और जितने भी केसेस राजा सिंह पर, जो भी जितने भी केसेस आज तक दर्ज हुए हैं, पूरे जो दर्ज हुए हैं वो या तो हिंदू मुस्लिम करके एक दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लगाने की वजह से उस पर केसेस दर्ज हुए हैं, या डिवाइड एंड रूल करने की वजह से उसके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, या फिर वो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की वजह से उस पर ये केसेस दर्ज किए गए हैं। 8 साल हो गए राजा सिंह पर एक पीडी एक्ट के तहत बहुत सारे मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन पीडी एक्ट ये कहता है, वो कानून ये कहता है कि राजा सिंह को 1 साल तक जेल में रहने की परमिशन देता है वो एक्ट, लेकिन राजा सिंह लगातार इतने सारे स्पीचेस, इतने सारे भड़काऊ भाषण देने के बावजूद भी कुछ मुद्दत के लिए जेलों में रहा, लेकिन एक साल का अरसा वो जेलों में नहीं काटा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अफसोस की बात है। और जो शिवाजी जो यहाँ का जनता सेवा ग्रुप, जो 4 तारीख को पीर के रोज़ राजा सिंह MLA को जो उन्होंने इनवाइट किया है, वो एक शिवाजी महाराज के नाम पर एक सियासत करने वालों ने शिवाजी महाराज के किरदार को बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े अजीम राजा हैं, बहुत बड़ी काबिले तारीफ शख्सियत शिवाजी महाराज हैं, उनके नाम पर एक सियासत कर रहे हैं। शिवाजी महाराज का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी फ़र्क नहीं किया, तमाम मजाहिब के लोगों को एक एक्स्ट्रा नज़र से उन्होंने देखा। आज उनके ही फॉलोअर्स आज राजा सिंह जैसे एक गंदी ज़ुबान वाले MLA को यहाँ पर बीजापुर को बुलाकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। राजा सिंह MLA को यहाँ पर बुलाकर शिवाजी महाराज की शान में कमी कर रहे हैं ये लोग, जो जनता सेवा ग्रुप के। हम उनसे भी एक दरख्वास्त करते हैं और DC सर से भी एक दरख्वास्त करते हैं, किसी भी तरह से हो राजा सिंह MLA को यहाँ पर आने से रोका जाए। वो सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बार उन्होंने गुस्ताखी की है, एक मुँह से बहुत सारे गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। मैं जिस मंच के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, ये सारे मखलूकात के लिए रहमत बनकर आए हैं। ये राजा सिंह के लिए भी रहमत बनकर आए, उसे इस बात का ख्याल रहना चाहिए, राजा सिंह को इस बात का ख्याल रहना चाहिए। अगर वो नबी की शान को जानता, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ता, तो वो उनके बारे में उस तरह की बातें नहीं करता। इसलिए आज उसे यहाँ पर जो आने दिया जा रहा है, बीजापुर एक औलिया का शहर है, एक पाक ज़मीन है, यहाँ पर बहुत सारे औलिया इकराम है, एक बहुत सारे राजाओं का शहर है, ऐसी पाक ज़मीन पर हम चाहते हैं कि राजा सिंह को यहाँ आने की इजाज़त ना दी जाए। हमारी यही दरख्वास्त है कि राजा सिंह को यहाँ आने से किसी भी तरह से रोका जाए, क्योंकि बीजापुर एक अमन और शांति का शहर है, वो यहाँ से आने से यहाँ की अमन और शांति ख़राब होने का अंदेशा है। हम इस बात से डरते हैं कि यहाँ की अमन और शांति ना ख़राब हो, इसलिए उसे किसी भी तरह से यहाँ आने से रोका जाए और उसके आने को कैंसिल किया जाए। अब्दुल मुनाफ पठान, मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर ऑफ SDPI। इंदु विजयपुर नागरिकर वतियिंद इन्नु नाळे राजा सिंग इवरु आगमिसि कोमु सौहार्दतेगे धक्के उंटु अंत मातुगळन्नु अवरु ई मुंचितवागि मातनाड्ता बंदिद्दारे। अवरु कार्यक्रम इल्लि माडबारदु अंत हेळि नम्म विजयपुर जिल्लेयाद्यंत ಯಾವುದೇ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು APCRದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಂತೆ SDPI ಪಕ್ಷದ
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ರಾಜ ಸಿಂಗ್ ಅಂತವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶ, ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಹರಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಿತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಗುಣಗಾಣಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಾವು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗೇನು ಮತ್ತೆ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂತವ್ರು ಬಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನಗೌಡರು ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂತವ್ರು ಬಂದರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಕೋಮು ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಕ್ಕಲಿನಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಥ ದುಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಂ ಎ ಬಗಲಿ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಎ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಐಸೈ ಖಬರ್ ದೇಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯು ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೋ ಲೈಕ್ ಕರೇ, ಶೇರ್ ಕರೇ, ಕಮೆಂಟ್ ಕರೇ ಔರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರ್ನಾ ನಾ ಭೂಲಿಯೆ. ಆಪ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಮಾಯನೆ ರಖತೆ ಹೈನ್.